Hello, my dear students of class 5. Today I shall be giving the answer of chapter number 21, The Journey to the Great Oz. Okay, let's begin with the question answer. First one is given as read the words, write other words which have the same ending. Second question, list the characters in the story and write a few lines about each of them. Third one, write in short how the travelers crossed the first ditch. Fourth one, write how the traveler crossed the second gulf. Question 5. Which event in the story tell us that the scarecrow was intelligent and next one the lion was brave? Okay, next question mein aapko diya hai activity aur aapko kya karna hai? Imagine you are Dorothy and write about the day events in 5 to 8 lines in your Dorothy's diaries. ठीक है, आपको डोरोथी बनके आप खुद इमेजिन करके डोरोथी के मतलब कैरेक्टर में आपको उसके ऊपर लाइन लिखनी है 5 to 8. ठीक है, नेक्स्ट इमेजिन यू आर लायन एंड समवन इज इंटरव्यूइंग यू, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको इमेजिन करना है कि आप लायन हो और सामने वाला आपका क्वेश्चन ले रहा है, तो नीचे आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपको उसका आंसर देना है एज अ लायन. ठीक है, सामने वाला ये क्वेश्चन दे रहा है आपको और आपको उसका आंसर देना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लैंग्वेज स्टडी. आपको पेज नंबर रिफर करना है यहाँ पर 84 to 88. रीड द फॉलोइंग अलाउड एंड नोट द हाईलाइटेड वर्ड्स, दे आर कंजंक्शन. ठीक है, जो यहाँ पर येल्लो कलर के हाईलाइटेड वर्ड दिए हैं इसको कंजंक्शन बोलते हैं. तो कंजंक्शंस आर द वर्ड विच जॉइंस टू सेंटेंस. ठीक है, कोई भी दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड क्या कहलाता है? कंजंक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपको दिया है बट एंड, तो ये दोनों जो वर्ड है वो किसी दो सेंटेंस को जॉइन कर रहे हैं तो उनको कंजंक्शन बोले. सिमिलरली तो आपको नीचे एंड, बिकॉज, इफ़, ये सब जो वर्ड है ना आपको ये सब मतलब कंजंक्शन के फॉर्म में मिलेगा तो इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं. ये वर्कबुक के क्वेश्चन हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि उनके होमवर्क्स कंप्लीट होते रहें और ये नॉलेज उन तक भी पहुँचते रहें.